जय हिंद मेरे साथियों। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये पिछले क्लास में बताए थे, मतलब पिछले क्लास मतलब आपको एक दिन पहले मिला होगा। रिकॉर्डिंग तो हम सब एक ही दिन करते हैं, जैसे ही छुट्टी मिला एक ही दिन हम पूरा दो तीन वीडियो बना लेते हैं, तीन चार वीडियो घर आराम से बना के और दो तीन दिन पूरे चला देते हैं। तो ये आपको कल मिला होगा, आज जो मिलेगा वह है क्वेश्चन नंबर 17। और इसे हम थंबनेल में भी यही सेट किए हैं, कुछ अलग से हम सेट भी नहीं किए हैं, डायरेक्ट जो दिखाई दे रहा है पूरा सॉल्यूशन के साथ थंबनेल में यही लगा दिए हम। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ किताब कहाँ ढूंढ रहे हैं इसके लिए तो आपको फ़ोटो भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिए हैं आप वो ये है कि यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं एक अनुपात रूट 3:2 के अनुपात में है तो त्रिभुज के कोण के अनुपात होंगे या अनुपात ज्ञात करें ये कहो। फिर से हम ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 1:2:3, ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी ऑप्शन 2:3:4, सी ऑप्शन 3:2:1, डी ऑप्शन 1:3:5। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा देखते हैं क्या होगा। देखिए साइन को साइन पढ़ाते वक्त आपको हम इतना बताए थे कि ये तो भुजाओं का अनुपात है, अगर याद हो तो कि साइन ए सॉरी मार्कर कौन सा उठा नहीं है ये वाला साइन ए बटा स्मॉल ए साइन बी बटा स्मॉल बी। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि नहीं सर आप ऐसे नहीं बोले थे, आप बोले थे स्मॉल ए ऊपर स्मॉल बी ऊपर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन सी बटा में सी बराबर जो भी होगा। अब यहाँ पर रुक के हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हम प्री नर्सरी से लेकर और कंपटीशन तक के मैथ पढ़ाते हैं। जब कंपटीशन वाले को पढ़ाते हैं तो उसमें एक चैप्टर है रेशियो, आप इसके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि रेशियो का प्लेलिस्ट ज़रूर बना हुआ होगा। हम रेशियो भी बताएं, 2-3 क्लास लिए हैं रेशियो है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, CI शायद नए परसेंटेज है, तो उसमें एक चीज़ बताते हैं क्या अभी देखो पता चलेगा क्या बताते हैं। साइन ए फिलहाल इसको छोड़ो, ए के जगह पर लिखो 1 साइन बी रहे दो, स्मॉल बी के जगह पे √3 फिर बराबर साइन सी रहने दो और स्मॉल सी की जगह 2। अब तीनों आपस में बराबर है, ध्यान देना ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तीनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं वो ज़रा ध्यान से सुनना जो हम बताना चाह रहे हैं, तीनों बराबर है मतलब अगर हम साइन ए के जगह पे 1 रख दें तो 1/1 एक हो जाएगा, अगर हम साइन बी के जगह पे √3 रख दें तो √3 से √3 कट के ए भी 1 हो जाएगा, साइन सी के जगह पे अगर हम 2 रख दें तो भी कट के 1 हो जाएगा। यानी हम बताना ये चाह रहे हैं आपको
कि यहाँ वन रखो, यहाँ रूट थ्री रखो और यहाँ टू रखो, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। वन बटा वन वन हो गया, रूट थ्री बटा रूट थ्री ये भी वन हो गया, टू बटा टू ये भी वन हो गया। यानी साइन ए की जगह पे वन, साइन बी की जगह पे रूट थ्री और साइन सी की जगह पे टू। आप ये भी कह सकते थे कि सर वन ही क्यों रखें, हम दो नहीं रखेंगे। तो अगर आप दो रखिएगा, मतलब नीचे एक है और ऊपर दो रखिएगा, इससे दुगना रख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर रूट तीन नहीं रखना है, दो गुने रूट तीन रखना है, दुगना। फिर यहाँ पर भी दो है तो ऊपर चार रखना है। ऐसे ऐसे फिर से समझो, अगर कोई एक है और साइन ए की जगह पे मान लो तीन रख दिया, एक से तीन गुना, तो फिर यहाँ पे उसको रखना होगा रूट थ्री ना है, तीन गुना रूट थ्री। फिर यहाँ लिखना होगा दो से तीन गुना छः। या तो मान लो कि अगर एक है और ऊपर कोई चार रख दिया, तो यहाँ अगर चार आप रख देते हो तो यहाँ रखे पड़ेगा ऊपर चार रूट थ्री, फिर यहाँ रखना होगा इसका चार गुना आठ, तभी ना दो चके आठ आएगा, इसे ही कट के चार आएगा और यहाँ तो चार है ही है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आया रेशियो में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम ढूंढते हैं, सबसे छोटा फॉर्म हम ढूंढते हैं, सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं रेशियो के हिसाब से। उतना काहिल मेहनत कर रहे हैं सर, आप डायरेक्टे बोलिए ना कि साइन ए अनुपात सबसे छोटा वैल्यू ढूंढना है, साइन बी अनुपात, साइन सी अनुपात। इसलिए लिखे बराबर हट गया, अनुपात इसलिए क्योंकि साइन ए मतलब वन मान लेंगे, साइन बी मतलब यही वाला रूट थ्री मान लेंगे, और साइन सी मतलब यही वाला टू। आप सोच के देखो कि साइन ए की जगह पे हम वन रखें, वन बटा वन एक हो जाएगा, साइन बी की जगह पे रूट थ्री रखें तो रूट थ्री बटा रूट थ्री कट के वन हो जाएगा, साइन सी की जगह पे टू रखें टू बटा टू कट के एक हो जाएगा, तो एक रूट तीन सी। लेकिन ऐसनका में अगर देखें थोड़ा सा परेशानी होगा, एक साइन थीटा में नहीं आता है, रूट थ्री नहीं आता है, दो नहीं आता है, अजीब जैसा लग रहा है, तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगा? तो हम सब में दो से अगर भागा दे दें तो रेशियो नहीं गड़बड़ाएगा, मतलब अनुपात एक अनुपात रूट तीन अनुपात दो अभी भी रह जाएगा, क्योंकि दो 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 कट जाएगा, इसे भी काटना नहीं है, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? यहाँ से आप एक इमेजिनेशन आपके मन में तैयार, मतलब आप इमेजिन कीजिए। इमेजिन का ही करें सर, मत करो यार, जिसको समझना है वो तो सोचेगा ही, कल्पना करेगा ही कि हम अगर एक के बजाय ऐजा दो रखते तो फिर यहाँ रखे पड़ता दो रूट तीन, ऐजा रखे पड़ता चार। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इमेजिन क्या करने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते थे कि एक के काहे रखेंगे, हम दो रखते तो यहाँ फिर रखे पड़ता दो रूट तीन, फिर ऐजा रखे पड़ता चार, मतलब अगर इसका दुगना रखें तो इसका दुगना रखेंगे, फिर इसका दुगना, तो भी कट के एक रूट तीन और वही दो आ जाता है, इसलिए इतना बड़ा हमने सोचे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर लिखें, इसलिए अनुपात 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 आया। अब आप कह सकते हैं ये तो जानबे करते हैं सर, साइन ए बराबर एक बटा दो है, साइन ए बराबर एक बटा दो है, मतलब ए बराबर 30 डिग्री होगा सर, साइन बी बराबर रूट थ्री बटा दो है, मतलब बी बराबर 60 डिग्री होगा सर, और सी बराबर तो खैर कट के वन है, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो अगर ए बी सी यही तो पूछ रहा है कि त्रिभुज के कोनों का योगफल, मतलब सॉरी योगफल बोल दिए, त्रिभुज के कोण का अनुपात, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आंसर पूछे तो आंसर में बोलिएगा पहले 30 डिग्री अनुपात, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 0 0 कट गया और तीन से सभी कट गया, तो आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, एक अनुपात दो अनुपात तीन। और ऐसा आंसर कहाँ है? शुरू में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो टाइम कितना हुआ ये तो हम देखे भी नहीं, लेकिन क्लास ख़त्म हुआ, एक वीडियो एक क्वेश्चन, क्योंकि ये जो चल रहा है अतिरिक्त क्लास चल रहा है, मेरे किताब में एक से लेकर 15 तक का, ये हम एडिशनल बता रहे हैं सुधीर सिंह के चलते। और हाँ एक बात, जाते जाते सुधीर सिंह जी को बोलते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए ज़िंदगी में, जीवन में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक बार अगर आप मैसेज कर देते हैं तो हम बता देंगे,
पक्का ठीक है, अगर हम बोले तो बता देंगे, अगर नहीं बताना होगा नहीं बताएंगे। आप एक ही मैसेज को इतना बार करते हैं कि अंदर से कभी कभी इरिटेशन जैसा हो जाता है हमको, एक ही बार बता दीजिए सर, बता दीजिए सर, बता दीजिए सर, बता देंगे हम। और फिर आप एक चीज़ और कहते हैं, सर कब आपसे एक बार बात करें, हम आपसे दो तीन बार बात कर चुके हैं, फिर भी आपका बात करने में क्या रखा है यार। पढ़ो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़िए, टीचर है तो भी मन से पढ़िए, किसी को पढ़ाइए बताइए, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे जब थोड़ा सा लाइफ में सक्सेस मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगा, तो आपको एकदम नहीं भूलेंगे। आपको क्या, आप लोगों को नहीं भूलेंगे। तहे दिल से कह रहे हैं कि अगर हम सक्सेस हुए तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को भूल जाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि हम यूट्यूब पर क्या, अपने रियल लाइफ में भी हम किन हालातों से ऊपर उठे हैं। तो ऐसा इस तरह से रहते हैं तो ठीक है, अब क्या करें, आपके सामने मतलब उस तरह से नहीं रह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि YouTube पे भी जब हम शुरू में पढ़ाने आए थे ना, तो हमको ये भी नहीं मालूम था कि पढ़ावल कैसे जाता है, जानते हैं, मतलब आई कांटेक्ट आपसे नहीं हो पाता था, मतलब अजीब से आते थे तो इन्हें उन्हें देखते थे, तो मतलब कहाँ देखें हम, किसको देखें, समझ में नहीं आता था। कि हम तो YouTube पे इसलिए आए थे पढ़ाने के लिए कि लोगों को इस तरह से पढ़ाएं कि घर में जाके पढ़ सके। कोरोना काल में भी हमको एहसास हुआ, पैसा के बारे में, ये सब के बारे में तो हम जानते नहीं थे, उसके बाद हम जाने कि ये सब होता है। तो जब हम पढ़ाना शुरू किए थे ना, तो लाइट था ना ही कैमरा था, कुछ नहीं था, माइक टाइक मेरे पास कुछ ना, स्टैंड स्टैंड कुछ नहीं था, एक छोटा सा डेस्क नहीं, डेस्क भी नहीं था, कह सकते हैं कि एक, हाँ डेस्क ही था, उसके ऊपर ऐसे ही मोबाइल रखते थे किताब से उठा के, और वहीं से हम रिकॉर्डिंग करते थे, माइक भी नहीं था। तो आप लोगों को नहीं भूलेंगे, ठीक है, पक्का है कि अगर आपसे बोल रहे हैं कि हम बता देंगे तो गारंटी के साथ आपको बता देंगे, अगर ज़िंदा रहें सही सलामत रहें तो पूरा कदम कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही बात को बार बार कृपया करके ना भूलें, हम बता देंगे। एक बार आप बोलते हैं याद रहता है, दो तीन बार बोलते तब भी चलता है, चलिए बुरा मत मानना, ठीक है, जो भी हो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आप बुरा मानेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब बता दें कि एक दो बार बोल दीजिएगा तो हमको याद रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।